हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपका चैनल और आगे बढ़े और बेटर वीडियोस हम बना पाएँ और लोगों तक और बच्चों तक पहुँचें ताकि हम और लोगों की हेल्प कर सकें। सी, इफ़ यू हेल्प समवन, गॉड विल हेल्प यू इन रिटर्न। सो प्लीज़ डोंट कीप दिस एटीट्यूड कि आपको सिर्फ अपना अपना देखना है। जितना हेल्प हो सके अपना कीजिए। अगर आप ये वीडियोस देखकर आगे शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मे बी बिकॉज आपकी शेयरिंग से दूसरे इंसान को रियलाइज़ हो कि वो जो पढ़ रहा है वो आपके साथ, उसको भी शेयर करना चाहिए। बी अ गुड पर्सन, हैव अ गुड हार्ट एंड स्टडी रियली हार्ड, बिकॉज अचीविंग अ सी ए डिग्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो लोड हो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द सब्सक्राइब आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। सो जैसे पता है आप लोगों को, हम बिजनेस लॉ कर रहे हैं एंड आई एम नेहा काजला, चार्टर्ड अकाउंटेंट नेहा काजला। सो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर वन कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज़ यूजफुल फॉर CA, CMA, CWA स्टूडेंट्स प्लस ग्रेजुएशन में जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, LLB के लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बाकी किसी को भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड द वीडियो। सो पेपर टू बिजनेस लॉ चैप्टर वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए आज करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए, जो परफॉर्मर है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्म होना चाहिए, एंड व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे होनी चाहिए, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी क्या होनी चाहिए। जॉइंट प्रोमिसर मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जिन्होंने प्रोमिस करा है उसको कंप्लीट करने का। जॉइंट प्रोमिसी मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जिन्होंने एक्सेप्ट करा है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हम पहले कर चुके हैं, वीडियो देख लेना, लिंक में डाल दूंगी। अप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट कंप्लीट होगी, प्रोपोर्शंस में होगी, प्रोराटा बेसिस पे होगी, कैसे भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें परफॉर्म नहीं करने होते या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म नहीं करने होते हैं, वॉइड नहीं हो जाते पर परफॉर्मेंस नहीं करनी होती है। एंड लास्टली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होते हैं। तो शुरू करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए, ओके। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमें बताता है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं बार बार पूरा इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ईयर भी याद हो जाए, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37। देखिए पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस अनलेस परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ, ठीक है। जब तक कि कोई लॉ या कॉन्ट्रैक्ट खुद उनका परफॉर्मेंस रद्द नहीं कर देता तब तक पार्टीज आर लाइबल, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ड्यूटी या अपना प्रॉमिस परफॉर्म करें, अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म करें। अब ये देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ए थे, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि
मैं तुम्हें कुछ गुड्स डिलीवर करूँगा 22 अप्रैल 2020 को। अब बीच में ही ए डाइड, ठीक है, सो बिफोर 22 अप्रैल ए डाइड, ठीक है, ए डाइड। बट नाउ अब ए तो है नहीं, तो परफॉर्मेंस कौन करेगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर जिस इंसान ने प्रॉमिस करा है वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो परफॉर्म करेगा, एंड एज रिप्रेजेंटेटिव विल डिलीवर गुड्स टू बी ऑन द डेट। ठीक है, अगर दोनों में समझौता होता है किसी और डेट के लिए तो ठीक है, नहीं तो ऑन द डेट करेगा, एंड बी जितनी भी पेमेंट होगी वो रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा। क्लियर? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अलाइव और डेड, डजेंट मैटर, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड, द शो विल गो ऑन। नेक्स्ट, बाय होम, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? सेक्शन 40, 41 एंड 42 हमें बताते हैं ये। अब सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है पर्सन बाय होम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, किन किन लोगों के थ्रू प्रोमिस परफॉर्म हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट में इट वॉज एन इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ की इंटेंशन थी कि प्रोमिस, पार्टीज़ खुद चाहती थी कि प्रोमिस सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करें, तो सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, उसका एजेंट नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। क्लियर? और किसी और केस में प्रोमिसर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो, या फिर वो कोई और पर्सन एम्प्लॉय कर सकते हैं, कंपिटेंट पर्सन टू परफॉर्म दी प्रोमिस। अब सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने प्रोमिस करा बी को कि वो उसको 1 लाख रुपये दे देगा, ठीक है। अब बाय चांस क्या हुआ कि ए खुद नहीं दे पाया, तो ए ने किसी और को बोला कि तू मेरी तरफ से बी को 1 लाख रुपये दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूँगा। दैट इज़ वैलिड, क्योंकि यहाँ पे बी की इंटेंशन थी सिर्फ पैसे लेना, कौन देगा उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए या तो खुद या किसी और के थ्रू भिजवा सकता है। बाय चांस ए डाइड, ए नहीं रहे, तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी को पैसे देगा। क्लियर? नेक्स्ट, जब प्रोमिसर खुद ही करेगा, स्पेशल कंडीशन हो गई। अब मैडम बी ने बोला, मैडम बी इज अ पेंटर, उन्होंने बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगी ए को, देन उनको खुद ही बनानी है, वो कोई और इंसान को हायर नहीं कर सकती, किसी और पेंटर को हायर नहीं कर सकती। प्रोमिसर विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, परफॉर्म दी प्रोमिस। देन एजेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, कोई कोई केस में थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। इसका देख लेते हैं कि जब कोई थर्ड पर्सन उसे परफॉर्म करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ये हमें सेक्शन 41 बताता है। किसका? जल्दी से कमेंट्स में लिखिए किसका सेक्शन 41। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, एक तीसरा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में उसका कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो परफॉर्म करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या इफ़ेक्ट होंगे? तो प्रोमिसी कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर, तो वो चीज़ जो तीसरे पर्सन ने परफॉर्म कर ली और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर ली, वो चीज़ प्रोमिसी प्रोमिसर पे एनफोर्स नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 1 लाख रुपये दे दूँगा, ठीक है, तू मुझे कुछ गुड्स डिलीवर कर दे। बी ने गुड्स डिलीवर कर दिए। ए बोला जी मैं तो हो गया बैंकरप्ट, जेबें खाली हो गई, मेरी जेब खाली हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट हो गया हूँ मैं। इतने में सी आया, सी ने पेमेंट कर दी ए के बिहाफ पे बी को 60,000 रुपये की, ठीक है। अब बी तो था थोड़ा चतुर, ठीक है, लाला आदमी, तो बी ने क्या चला के दिखाई, बी सोच रहा है कि मैं ए को ना 1 लाख रुपये के लिए ही सू कर देता हूँ कि मैंने इसको गुड्स भेजे थे जी, इसने नहीं करी, और सी ने जो पेमेंट करी थी उसको उसने ए को बिना बताए करी थी, ठीक है, इन गुड फेथ, पर यहाँ पे बी चालाकी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 41 अपना रोल अदा करेगा,
और हमारा सेक्शन 41B को रोक देगा ऐसा करने से, इसको सू करने से, और सू गलत हो गया, इसको सू करने से। और ये अगर इसको सू करना चाहिए, इस पर केस करना चाहे, तो सिर्फ डिफरेंस का कर सकता है, मतलब 1,00,000 माइनस 60,000, 40,000 40K पे ये कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं कर सकता। ओके, क्लियर। जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्म कर सकते हैं। जॉइंट प्रोमिसर कौन से होते हैं? जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, जॉइंट प्रोमिसर जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ते हैं और सारे के सारे लोग उसको प्रॉमिस करते हैं जॉइंटली फुलफिल करने का, ठीक है। अब इसमें बाई चांस क्या हुआ कि इनमें से कोई एक मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेगा। बाई चांस भगवान ना करे सारे मर गए, तो उन सब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया बाय होम द परफॉर्मेंस शुड बी फुलफिल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। जब कोई ऑफर कर रहा है कि मैं परफॉर्म कर देता हूँ बट प्रॉमिस ही एक्सेप्ट ही नहीं करता, रिफ्यूज़ कर देता है या कोई रिप्लाई नहीं देता, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हमें बताता है सेक्शन 38 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर मुझे कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। प्लीज़ बी अ लिटिल इंटरेक्टिव और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से शेयर करना। ओके, ठीक है, अब ये देख लेते हैं। जहाँ पे प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म करता है कि मैं कुछ परफॉर्म करूँगा, ऑफर करता है और ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, तो प्रोमिसर फिर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने तो ऑफ़र करा था जी परफॉर्म करने के लिए, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब मेरी जिम्मेदारी हो गई ख़त्म। पर इसके लिए तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए कि मैं परफॉर्म इसीलिए करूँगा अगर मुझे आप 1,00,000 रुपये दोगे, या मैं परफॉर्म इसलिए करूँगा अगर मेरे घर पर आके खाना बनाओगे, एक्सेट्रा। और प्रोमिस मस्ट बी मेड एट अ ऑफर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। जहाँ पे प्रोमिस ही को पूरा पूरा मौका मिले ये जांचने परखने का कि जो प्रोमिसर है वो तैयार भी है, जो वो ऑफर कर रहा है कर सकता है वो, और उसकी मर्ज़ी है परफॉर्म करने की, ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि झूठे मुंह बोल दिया जी हाँ हाँ कर देंगे और करा नहीं, ये नहीं चलता कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एंड थर्डली, ये सिर्फ रिश्तेदारी में ही चलता है, ठीक है। एंड थर्डली, या फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप तो खैर डिफरेंट ही है। एंड थर्डली, इफ़ ऑफर इज़ टू डिलीवर एनीथिंग, मतलब अगर वो ऑफर कर रहा है कि कोई चीज़ डिलीवर करनी है, कोई सामान डिलीवर करना है, तो प्रोमिसी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो देखने के लिए कि वो जो चीज़ ऑफर कर रहा है और उसने ऑफर प्रोमिसी को दी है, क्या वो वही चीज़ है जो उसने प्रोमिस करा था डिलीवर करने का, कोई और तो नहीं दे दी, ये भी देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, ठीक है। सेक्शन 39 कहता है कि अगर किसी ने प्रॉमिस करा है कुछ परफॉर्म करने का और वो रिफ्यूज़ कर दे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब कोई पार्टी रिफ्यूज़ कर दे परफॉर्म करने के लिए, तो प्रॉमिसी के पास पूरा पूरा चांस होता है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दे, ख़त्म कर दे वहीं पर। अब एक सिंगर थे, अच्छे, काफ़ी अच्छे सिंगर थे, उन्होंने एक थिएटर मैनेजर के साथ अग्रीमेंट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 2 महीने तक हर हफ्ते 2 रात परफॉर्म करूँगा। इसने अग्री कर लिया और इसने बोला मैं उसके लिए आपको हर रात के लिए 1,00,000 रुपये दूंगा, ठीक है। ऐसा चलता रहा, एक हफ़्ता परफॉर्म करा, दूसरा हफ्ता परफॉर्म करा, तीसरे हफ्ते में इसने जानबूझ के परफॉर्मेंस बंद कर दी। तो जो हमारा मैनेजर है उसके पास पूरा राइट है कि वो एंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल, ASAP, जल्दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेला चाओ।